देखिए मैथ का एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्लास टेंथ का स्टूडेंट है तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। इस वीडियो को देख लीजिए, जो पासे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको आप देखते ही बना लीजिएगा। देखिए आपको पासा में आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने परिणाम होते हैं, 6 होते हैं। आप किसी पासे को फेंकते हैं, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, यानी टू कुल परिणाम कितने हैं, 6 है, 1 से 6 तक आ सकता है, समझे। इसमें पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए 1 से 6 तक में आपको अभाज्य संख्या कितनी है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 1 और स्वयं से भाग लगे, वही क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो 2, 3 और 5 यह क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा था आपसे, तो सिंपल है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, इसमें याद रखिएगा 1, 2, 3 यानी कुल परिणाम 3 है। अभाज्य संख्या आने के कुल परिणाम कितना है, 3 है, और कुल परिणाम ऐसे कितना है, 6 है, काट देंगे इसका होगा 1/2। आंसर कौन हुआ, 1/2 हुआ अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, समझे। अभाज्य संख्या आने की संभावना कितना है, 3 बार है, कुल परिणाम कितना है, 6 है, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, 1/2। इस तरह से आपको पासे में किस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सम संख्या कौन है, 2 है 4 है 6, इसका भी 3 और टोटल 6, 3/6 यानी 1/2, इसका भी आंसर होगा, ठीक है। पूछ देगा 6 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 से कम कितना, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 बेर है, टोटल 6 है यानी 5/6। इसके पूछ देगा यानी 1 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी, 2, 3, 4, 5, 6 इसका भी 5/6। तो इस तरह से आपको कोई भी संख्या की प्रायिकता पूछ सकता है पासे से, समझे। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा कि आपको किस तरह से इस सवाल को, इस तरह के सवाल को बनाना है। इसमें आपको ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको 1/2 आएगा, समझे। मुझे उम्मीद है कि अभी जो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।